भाई अब इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, और कहे भी क्यों ना, कुछ माजरा ही ऐसा है। इस हफ्ते होली के मौके पर भोजपुरी पर्दे पर रिलीज हुई दोनों ही फिल्मों ने देश भर में धमाल जो मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार एंग्री यंग मैन पवन सिंह की फिल्म सत्या और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन स्टार खेसरी लाल यादव की फिल्म आतंकवादी की। दोनों ही फिल्में होली के खास मौके पर रिलीज की गई हैं और दोनों एक दूसरे को सिनेमा घरों में जमकर टक्कर दे रही हैं। भाई अब टक्कर भी लाजमी है क्योंकि पवन सिंह और खेसरी लाल यादव दर्शकों के चहेते जो हैं। दोनों की ही फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है। सत्या फिल्म में पहली बार पवन सिंह के एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं और साथ ही इस फिल्म में उन्होंने हैरत अंगेज स्टंट्स भी किए हैं। तो फिल्म आतंकवादी में खेसारी लाल एक आतंकवादी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो कि दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। अब ये दोनों ही फिल्में फैंस के लिए तो सोने पे सुहागा साबित हो रही हैं, क्योंकि दोनों ही फिल्में जमकर फैंस का मनोरंजन जो कर रही हैं। पर अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म आगे निकलकर ज्यादा कमाई करती है और रिकॉर्ड बनाती है। तो इन दोनों ही फिल्मों में से आपकी पसंदीदा कौन सी है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और भोजपुरी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पाइसी भोजपुरी।